अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी चटपटे चटकारेदार चिकन तवा कबाब बनाने की रेसिपी, जो कि एकदम सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे, जो खाने में बेहद डिलीशियस और लाजवाब होंगे। एक बार आप मेरी रेसिपी को ट्राई जरूर करिए। तो चलिए, मैंने इस रेसिपी को कैसे बनाया तो देख लेते हैं। ये मैंने आधा किलो बोनलेस गोश्त ले लिया था चिकन, तो इसको अच्छे से धोकर वॉश कर लिया था और घर में ही मैंने इसका कीमा बनाकर तैयार कर लिया है। चिकन को ड्राई कर लें बिल्कुल और मिक्सी जार में डालकर इसका कीमा बनाकर तैयार कर लें। अब ये मैंने एक प्याज है जिसको बारीक बारीक चॉप कर इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें अदरक और लहसुन को भी बारीक बारीक चॉप कर ऐड करूंगी। लहसुन की 6-7 कलियां और 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, इनको हम चॉप कर ऐड करेंगे। और 3 से 4 हरी मिर्ची है और 1 मुट्ठी हरा धनिया, ये भी इसी में ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, मैंने 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर दिया है इसमें। और 1 छोटा चम्मच जीरा पाउडर है, भुना कुटा हुआ जीरा है। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला और ये मैंने कुटा हुआ धनिया ले लिया है, धनिया को हमने कूट लिया था, तो ये हमने 1.5 यानी कि 1.5 चम्मच ऐड कर दिया है। और 1 पिंच में इसमें खाने वाला जो सोडा होता है ना, वो ऐड करूंगी सॉफ्ट और मुलायम हो करने के लिए। और 1 चम्मच घी ऐड कर दिया है मैंने, क्योंकि चिकन में अपना कोई फैट तो होता नहीं है इसलिए। और अच्छे से मिक्स करके हम इसको खूब अच्छे से मिक्स करेंगे 5 मिनट तक, और ढककर आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख देंगे। अब मैं इसकी एक ग्रेवी बनाऊंगी। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने 1/2 कप दही में 4 मसाला नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसके हम आगे यूज करेंगे। अब क्या करेंगे, मैं कीमा लेकर आ गई हूँ, तो अब मैं कीमे के कबाब बनाकर तैयार करूँ। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे भी कबाब बनाना चाहते हैं बनाकर तैयार कर लीजिए। इस तरीके से गोल गोल ये हम इसके, जैसे हम टिक्की वगैरह बनाते हैं ना, तो इस तरीके से हम इसके कबाब बनाकर तैयार कर लेंगे। मैं सारे कबाब इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लूंगी। मेरे 1/2 किलो कीमे में ये 10 से 11 कबाब बनकर तैयार हो गए हैं। आप अपने हिसाब से छोटे बड़े जैसे बनाना चाहें बना सकते हैं। अब मैं क्या करूंगी कि एक तवा लूंगी, तवे पे हम इनको शैलो फ्राई करेंगे और एक एक करके सारे कबाब ऐड कर देंगे। तेल मैंने ऐड कर दिया था, तेल को अच्छे से गर्म कर और इनको हम फ्राई करने में 5 से 6 मिनट लग जाएंगे। गैस को लो टू मीडियम रखेंगे और खूब अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक इनको अच्छे से अंदर तक सीख जाएं, जब तक हम इनको अल्ट पल्ट कर फ्राई कर लेंगे। खूब अच्छे से फ्राई करेंगे, ये देख इस तरीके से जब कलर आ जाए और खूब अच्छे से अंदर से सीख जाए, तो हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे एक प्लेट में। अब हमको सारे कबाब मैंने एक प्लेट में बाहर निकाल लिए। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को प्लीज़ प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। और इसी तरीके से मैं सारे कबाब इस पर फ्राई कर लूँगी। दूसरे भी बैच मैंने फ्राई कर लिया है, इसको भी 5 से 6 मिनट लग गए थे फ्राई होने में। गैस को हम लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे। और इस तरीके से मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक लोहे का तवा लेंगे, उस पर हमने जो ऑयल था ना, हमने फ्राई किए थे कबाब, उसी ऑयल में से 1 चम्मच ऑयल डालकर ये 4 से 5 लहसुन की कलियाँ हम बारीक बारीक चॉप कर ली थी मैंने, अब इनको इसमें तेल में ऐड कर देंगे और इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, हल्का सा सोटे करेंगे और इसमें कबाब ऐड कर देंगे। गैस को हम लो ही रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे। और इस तरीके से मिक्स करते रहेंगे थोड़ी देर तक। अब जो मैंने दही वाला मसाला बनाकर तैयार किया था ना, थोड़ा थोड़ा करके हम उस पर ऐड करते रहेंगे और गैस को लो ही रखेंगे और ऐसे मिक्स करते रहेंगे, जिससे जैसे कि हमारा सारा मसाला अंदर तक कबाबों में अब्सॉर्ब हो जाए। और हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे इसे, थोड़ा थोड़ा करके मैं सारा मसाला इस पर ऐड कर दूंगी और इसे मिक्स करती रहूंगी। आप भी ऐसे करिए और इसे मिक्स करते रहिए। अब हम क्या करेंगे, जो फिर दोबारा से 1 चम्मच लेंगे और दोबारा सारा मसाला इसी पर ऐड कर देंगे। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और एक कमेंट ज़रूर करिए कि आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं, किस शहर से देख रहे हैं। तो अब मैं थोड़ा सैलेड इस पर ऐड करूंगी। मैंने टमाटर, एक बड़ा टमाटर लेकर उसको स्लाइसेस में कट कर इस पर ऐड कर दिया है, और अदरक के पीसेस लंबे लंबे कट कर लिए, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, और 1 प्याज को हमने स्लाइसेस में कट कर इस पर ऐड कर दिया है, और नींबू को हम इस पर कट कर ऐड कर देंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे। आप इस पर इसको मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको खूब अच्छे से मिक्स करने के बाद सर्व कर लेंगे। आप ये देखिए
कितने जूसी और सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर करिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फैमिली मेंबर में वीडियो शेयर जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने सबका ख्याल रखिए। मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।